हेलो गाइस, आई एम शिवम। मैं आप सभी का यहाँ पर इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज, और सबसे पहले हम देखेंगे HTML ट्यूटोरियल्स, और उस पर हम देखते हैं HTML का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन वेब। Hypertext simply means text within text. That means किसी एक टेक्स्ट में जब हम क्लिक करते हैं तो वह टेक्स्ट किसी हमको किसी दूसरे पेज पे ले जाता है। Like यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, Hypertext is the way to link two or more web pages with each other. Okay. Markup language is a computer language. It makes text more interactive and dynamic. It can turn text into images, tables, links, etc. HTML is not a programming language. It is a standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. Example आप देख सकते हैं p टैग, उसके वो बीच में कंटेंट। हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है, जो टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। और टैग्स आर यूज्ड टू मार्कअप द स्टार्ट ऑफ एन HTML एलिमेंट्स, एंड दे आर यूजली इंक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स। एग्जांपल ऑफ अ टैग इज H1 टैग, p टैग। आप देख सकते हैं कि जो H1 है और P जो है, जो टैग है, वो एंगल ब्रैकेट से इंक्लोज्ड है। और जो HTML एलिमेंट्स है वो ब्राउजर से कहता है कि जो भी हमने टैग के बीच में जो भी लिखा है उसे आप ब्राउजर में डिस्प्ले कर दीजिए। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर लाइक मोज़िला, गूगल क्रोम हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जब भी आप फाइल बनाएंगे HTML का, उसका आप एक्सटेंशन लिखेंगे HTM और HTML, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि HTML फाइल मस्ट हैव एन HTM और HTML फाइल एक्सटेंशन। तो चलिए हम अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि HTML कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि छोटे से एग्जांपल से। सबसे पहले हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाते हैं, या फिर आप कहीं भी जहाँ पर आपको फाइल बनानी है उस लोकेशन में आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके आप अपने फाइल का नाम दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इंट्रो HTML, फिर उसके बाद इसे डबल क्लिक कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने डबल क्लिक किया और उसके बाद मैंने जो यहाँ पर एक कोड है वो पहले से लिख चुका है, ताकि तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ जल्दी से। ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है doc type.html जो है, ये बताता है आपका HTML का वर्जन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है doc type.html, this tag is used to tell the HTML version. This currently tells that version is HTML 5. If it must only appear once at the top of the page. मतलब कि ये जो सबसे टॉप में इसे लिखा जाता है, इसके बाद HTML के टैग शुरू होते हैं, और ये केस सेंसिटिव नहीं है। अब इसके नीचे जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए आप HTML जो स्टार्टिंग है, ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग है HTML का, ये है क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो वैसे ही HTML के बाद जो है हेडिंग है, और उस हेडिंग का ये हेडिंग क्लोज टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है हेडिंग का और ये क्लोज टैग है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ है, और ये जो टाइटल यहाँ पर जो लिखा हुआ है,
ये जो टाइटल यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे ब्राउजर के टाइटल में शो होते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसमें। और ये हो गया बॉडी टैग के अंदर, ये H1 और ये P टैग। आने वाले वीडियो में आपको ये सब समझ में आते जाएगा कि ये क्या होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बाकी टैग्स जो हैं वो क्या होते हैं। HTML टैग, दिस इज कॉल्ड HTML रूट एलिमेंट। मतलब ये सबसे पहला एलिमेंट होता है, ये इसलिए इसे रूट एलिमेंट कहते हैं। एंड बाकी के जो एलिमेंट हैं ये सब HTML टैग के अंदर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर HTML टैग है, ये HTML है और उसके अंदर ये सब टैग आते हैं। देखिए तो आगे देखते हैं, जो हेड टैग है यहाँ पर, हेड टैग के अंदर वो जो है मेटा डेटा, टाइटल, पेजेस, CSS फाइल्स जो आगे हम देखेंगे, JS फाइल जो आगे हम देखेंगे, वो सब हम यहाँ हेड टैग के बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके अंदर हम स्टाइल, टाइटल, बेस, स्क्रिप्ट, मेटा, ये सब हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और बॉडी टैग जो होता है, द बॉडी एलिमेंट डिफाइन्स द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। डॉक्यूमेंट्स बॉडी मीन्स जो ब्राउजर में डिस्प्ले होगा वो वाली जो डॉक्यूमेंट्स बॉडी है ना, वो वाली जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स बॉडी है। एंड इज अ कंटेनर, कंटेनर मीन्स जितने भी हमारे टैग्स आएंगे जो हमको ब्राउजर पे डिस्प्ले होंगे, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, हाइपरलिंक, टेबल्स, ये जितने भी टैग आएंगे वो आएंगे बॉडी, बॉडी एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि आप उस एग्जांपल पे देख सकते हैं, ये बॉडी के अंदर जो H1 और ये जो P टैग है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे ये H1 टैग है, तो H1 एलिमेंट्स डिफाइन्स अ लार्ज हेडिंग। आप देख सकते हैं ये लार्ज हेडिंग डिफाइन करता है H1, और जो P एलिमेंट है डिफाइन करता है पैराग्राफ। जैसे कि जैसे अब अगर मान लो हम उस एग्जांपल को अगर रन करते हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पर सेव कीजिए, यहाँ पर सेव एस या फिर सेव भी कर सकते हैं, सेव एस कीजिए, तो यहाँ पर जो फाइल का एक्सटेंशन मैंने जैसे आपको बताया था, या तो आप HTML लिख सकते हैं या तो HTML, ठीक है। तो HTML करके जैसे ही मैंने उसे सेव किया, ठीक है, जैसे ही मैंने उसे सेव किया, देन उसके बाद जैसे ही मैंने उसे देखा, अपने यहाँ पर ब्राउजर का सिंबल आ चुका है। आपने यहाँ पर बनाया था, मैंने बनाया था यहाँ पर इंटो HTML, देखिए इंटो HTML यहाँ पे, इसे डबल क्लिक कीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग है, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, वो यही है यहाँ पर जो आया है, कि यहाँ पर जो लिखे हैं बॉडी के बीच में जो हमने लिखा है, ये H1 के बीच में, ये यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो P टैग के बीच में हमने जो लिखा हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ, वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर तो जो पेज टाइटल जो यहाँ पर लिखा है ना, ये यहाँ पर वो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। मेरा कर्सर देखिए आप, यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर आगे जैसे ही हम चेंजेस करते हैं, मान लो ये जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर वेब डेवलपमेंट सीरीज, ठीक है, आप बस देखते रहिए। फिर यहाँ पर देखिए हम, मैंने लिखना हमारा HTML टैग,
ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू HTML। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल आ गया, इसका जो हेडिंग है यहाँ पर आ गया इंट्रोडक्शन टू HTML जो यह पैराग्राफ है, और यहाँ पर आ गया वेब डेवलपमेंट सीरीज, ये जो आप देख रहे हैं। तो ऐसे वर्क करता है। आप एक और पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल वी कीजिए, सॉरी कंट्रोल सी, यहाँ पर सॉरी एक पैराग्राफ बना लीजिए, मान लो लिख लेते हैं HTML CSS। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेव करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर HTML CSS भी आ चुका है। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल, इसको आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे कि H1 टैग जो होता है, फिर उसके बाद H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, ये सब भी होते हैं, और बहुत सारे टैग होते हैं, इमेजेस के भी टैग होते हैं, ये सब हम आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि ये क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो एडिट किया है वो नोटपैड में किया है। आने वाले टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से एडिटर में किस, मतलब कौन से एडिटर को इंस्टॉल करना है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप उसमें भी काम कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं ये सब बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू गाइस।